Are you all my personal dreams? मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शीज़ा नईम और आज की स्टोरी में मैं आपके सामने इन नन्हे नन्हे मेहमानों के साथ हाजिर हूं और आपको बताते चलें कि इन बिल्लियों को युवास SPCA के डॉक्टर्स ने हालत गैर में पाया और इनको रेस्क्यू किया। इनकी क्या हालत थी वहां पे और इनको कैसे रेस्क्यू किया गया, इन बिल्लियों को क्या फीड दी जाती है और इनका ट्रीटमेंट जो है वो क्या चल रहा है, ये हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स की ज़बानी। जी, तो रेस्क्यू की गई बिल्लियों की हालत अब क्या है वो तो हमने देख ली। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तलहा साहब, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये बिल्लियाँ किस तरह रेस्क्यू की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? डॉक्टर तलहा साहब, हमें बताइएगा कि आपको किस तरह इल्म हुआ इन बिल्लियों के बारे में और आपने किस तरह इन बिल्लियों को रेस्क्यू किया? इन बिल्लियों की काफ़ी दिनों से हमें कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी कि बिल्लियाँ कैद की गई हैं, लेकिन जब हमारे पास रिटन एविडेंस मौजूद हुआ और हमें जो है वीडियोस वगैरह मौसूल हुई, तब हमारे इंस्पेक्टर्स ने जाके रेड की और वहाँ पे देखा तो एक 5 मरले का अपर पोर्शन था जिसमें 2 कमरे थे और वहाँ पे ये 100 के करीब बिल्लियाँ वहाँ पे मौजूद थीं, जो कि 87 हमने वहाँ पे रिकवर की और कुछ वहाँ पे मरी हुई बिल्लियाँ थीं। अब जहाँ पे जब वो सिचुएशन देखी गई तो मुझे लगता है कि वहाँ पे महीनों से वहाँ पे सफाई भी नहीं हुई और जो कुछ बिल्लियाँ उसमें मरी हुई थी उसमें कीड़े पड़े हुए थे, उठाना भी गवारा नहीं किया और जब जो पानी के बर्तन थे और ख़ुराक के बर्तन में उनमें पोटी पड़ी हुई है जानवर की और उसी में वो खा रहे हैं। तो सर, जिन्होंने बिल्लियाँ रखी थी आपने उनसे नहीं पूछा कि आपने इन बिल्लियों की ऐसी हालत क्यों की है? जो उनसे पूछा गया तो वो एक खातून थी जो ये शेल्टर चला रही थी, बेज़बान के नाम से कोई ऐसा का उनका शेल्टर था जिसको वो फेसबुक पे और सोशल मीडिया के थ्रू रन करती थी। वो खुद टांग उसकी फ्रैक्चर हुई हुई थी और वो कई महीनों से वो जो है ना वहाँ पे मौजूद नहीं होती थी और जो उसकी आया थी जो काम करने वाली थी वो उसके बकौल पिछले 4 दिनों से वो छुट्टी पे है, वो नहीं आ सकी। अब 4 दिनों में वो छुट्टी पे है, क्या मैं वो जानवरों को कह सकते हैं हम आपको उसकी सफाई नहीं करेंगे, हम उसको जो है ना नहीं कर सकते? तो ये सिचुएशन थी कि वहाँ पे जानवर, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे हड्डियों का ढांचा एक पड़ा हुआ है और ढांचे से लगता है कि ये महीनों से यहाँ पे सफाई नहीं हुई। तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, क्या उनके खिलाफ क्या गया या सजा दी गई? जी, उनको हमने चलान किया है, हमारा जो SPCA का एक्ट है 1890 का, उसके तहत हमने चलान किया और मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश हुई हैं और उनको जुर्माना हुआ है और जुर्माना उन्होंने पे कर दिया है, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे बिल्लियाँ रिसीव करने के लिए नहीं आई। कितना जुर्माना किया गया उनको? 8700 रुपीज़ उसको जुर्माना हुआ है जो कि वहाँ पे अदालत में ही पेश किया गया है, और लेकिन उसकी फीडिंग, इनकी ट्रीटमेंट के लिए एक दिन भी वो यहाँ पे नहीं आई। तो सर, आपने ये बिल्लियों को रेस्क्यू करने का जो अमल है वो कब से स्टार्ट किया हुआ है? ये अभी रिसेंटली हमें जो कंप्लेंट आती है तो हम करते हैं, अदरवाइज तो हम बिल्लियों के अलावा क्या क्या आप रेस्क्यू करते हैं, कौन कौन से जानवर इनमें मज़ीद शामिल हैं? बिल्लियों के अलावा हमारे पास परिंदे भी हैं, आपके सामने ये देख सकते हैं कि कोई रेस्क्यू करते हैं परिंदा, अगर कहीं पे पर टूटा हुआ है या टांग टूटी हुई है या कोई ज़ख्मी हालत में है या कुछ जानवर जैसे डंकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट में पड़े होते हैं वो भी हम रेस्क्यू करते हैं। इसके अलावा डॉग्स हैं और वो भी हम रेस्क्यू करते हैं, लावारिस या ज़ख्मी जो हैं वो रोड के ऊपर पड़े होते हैं, या कोई अगर फीमेल मर गई है रोड एक्सीडेंट में तो उसके बच्चे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो हम रेस्क्यू करके यहाँ पे ले आए। जी, तो हमें मज़ीद बताइएगा कि आपने इन जानवरों की देखभाल के लिए कितना अमला रखा हुआ है, कितने लोग हैं जो इनकी यहाँ पर देखभाल करते हैं? ये हमारे पास सिर्फ रूटीन का मैटर है और इसके लिए हमें 3 जो है वो कमरे हमने एलोकेट किए हैं और इसको हम मोर देन 1 मंथ नहीं रख सकते और 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला इसको कोर्ट का जो फैसला होगा, जो इनकी कीमती बिल्लियां हैं वो इनकी अडॉप्शन में चली जाएं या कोर्ट इजाज़त देती है कि उस खातून को दोबारा दे दें, जो कि है मुमकिन नहीं है क्योंकि अगर उसको दोबारा दिया तो ये बिज़नेस वो दोबारा शुरू कर देंगी। तो बाकी जो स्ट्रे कैट हैं उम्मीद है कि वो या अडॉप्शन में जाएंगी या इनको हम नेचुरल एनवायरनमेंट में रिलीज़ करेंगे वैक्सीन करके बाकी चीज़ें करके।
तल्हा साहब, आप डॉक्टर हैं तो आपको इस हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि हमें कैसे पता चलता है कि अब जानवरों का क्या मूड है। अब बिल्लियों की बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बिल्ली खुश है या नाराज़ है। अगर बिल्ली आपके बिल्ली बहुत सेंसिटिव है और फैमिली को के साथ अगर रहती है तो वो बिल्ली जो है वो फैमिली के साथ बहुत अटैच हो जाती है, और अगर फैमिली मेंबर कम हो जाएं घर में तो बिल्ली स्ट्रेस में आ जाती है, और स्ट्रेस की निशानी ये है कि बिल्ली एक कोने में बैठ जाएगी। जिस तरह आप इसमें यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक कोने में एक बिल्ली है जो बीमार है, वो एक कोने में बैठ गई है तो वो डिप्रेस होगी, खाना पीना छोड़ देगी और एक साइड पर बैठ जाएगी, और ये उसकी नाराज़गी का और उसकी बीमारी का अलामत हैं जिससे आपको अगर पता चलता है कि ये जानवर ठीक। सबसे जो महंगी नस्ल होती है बिल्ली की वो कौन सी? पर्शियन है। क्या कीमत होती है उसकी, वो कितनी कीमत में बिकती है? 25-30 हज़ार की हो जाती है। तो हमें इनकी खुराक के हवाले से आगाह कीजिएगा कि इनको खाने में क्या क्या पसंद होता है। बात यह है कि इनकी कैट फूड अवेलेबल है, मोस्टली लोग वही देते हैं कैट फूड क्योंकि वो एक बैलेंस डाइट है। और इसके अलावा कैट फूड के अलावा ये बिल्लियाँ क्या पसंद करती हैं? कैट फूड के अलावा जो है सब्जियां हैं, चावल हैं और चिकन है बॉयल करके वो भी देती हैं, सूप बना के उसकी वो भी बिल्लियों को दी जाती है। अगर चिकन बॉयल करके ना दें तो क्या? अगर कच्चा देंगे तो जहरी बात है कि उनमें वर्म प्रॉब्लम भी आएगा और उनमें डाइजेशन प्रॉब्लम भी आएगी। जब आप कन्फाइंड एरिया के अंदर रख लेते हैं घर के अंदर स्ट्रे में तो वो खा लेती हैं, कच्चा गोश्त भी खा लेते हैं, लेकिन उनको कहीं दूर जाके मिलता है, सफ़र करके वो खाती हैं तो उनमें कम प्रॉब्लम आते हैं। लगभग जब आप एक कन्फाइंड एरिया में रख देते हैं जानवर को तो उस वक्त जो है उनको फीडिंग में अगर कच्चा गोश्त दे दें या वो उनको हज़म करने में इतना टाइम नहीं मिलता तो इस वजह से उनमें डाइजेशन प्रॉब्लम भी आते हैं और वर्म्स का प्रॉब्लम भी आता है कि पेट की कीड़ों में प्रॉब्लम आता है। सबसे जो सेंसिटिव नस्ल है बिल्ली की वो कौन सी होती है? पर्शियन कैट। तो जब हम इनको घर में रखते हैं तो क्या हिदायत आप रेफर करते हैं कि आप इस तरह बिल्ली को ट्रीट करें? हम ये कहते हैं कि अगर आपने रखना है तो जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर रखें और इनको वैक्सीन करवाएं, वैक्सीन के बगैर आपने इनको ना रखें, और डिवर्मिंग हर 3 महीने बाद इनको पेट के कीड़ों की दवाई भी पिलाते रहें ताकि आप भी महफूज रहें। और कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो इनके स्टूल पास करने से फैल सकती हैं, कुछ स्किन इन्फेक्शन होते हैं, तो इनको आप रेगुलरली 15 दिन बाद, महीने बाद इनकी ग्रूमिंग भी करें, उनको वॉशिंग भी करें इनकी, तो उससे इनके जो है ना आप भी महफूज रहेंगी। वैक्सीनेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सर, कोई ऐसी बीमारियाँ हैं जो बिल्लियों से इंसानों को भी मुंतकिल होती हों? स्किन की बीमारियाँ भी हैं, पेट की बीमारियाँ भी हैं जो इंसानों में भी लग सकती हैं। तो फिर इन बीमारियों का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो इन बीमारियों के लिए सबसे पहली बात है कि अगर आपने पेट रखना है तो चाहे वो डॉग है या कैट है आप उसको वैक्सीन करवाएं, जब वो वैक्सीनेटेड होगा तो आप भी महफूज होंगे। सर, आप वेटनरी डॉक्टर हैं तो आपको एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा एनिमल पसंद है? मुझे तो हॉर्सेस पसंद है। हॉर्सेस पसंद है, तो आपने इतना शौक पूरा किया हॉर्स रख के? नहीं, हॉर्स रख के तो नहीं किया, लेकिन ट्रीटमेंट करके मुझे अच्छा लगा है। अगर एट अ टाइम एक साइड पे बिल्ली को आपने ट्रीट करना और दूसरी साइड पे हॉर्स को, और आपके मेरे लिए तो पेशेंट पेशेंट है। नहीं, आपके पास जो है वो वक्त एक ही हो, मतलब एक ही वक्त में दोनों पेशेंट आए, तो आप किसको ट्रीट करेंगे? इधर ऐसे ही होता है, आपके सामने है कि डॉग भी हैं, कैट भी हैं, हॉर्सेस भी हैं, डंकी भी हैं, तो हम ये किसी को नहीं कह सकते ये मेरा शौक है, उस वक्त वो पेशेंट है, ही नीड्स अ केयर। तो सर, आप कोई पैगाम देना चाहते हो उन लोगों को कि जिन्होंने पेट तो रखे होते हैं लेकिन उनकी केयर नहीं करते? एक पैट अगर रखना है तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है तो उसको पूरा करें, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी करें। जो अगर उसकी फीडिंग का ख्याल नहीं रखते, पानी नहीं पिलाते, उनको गर्मियाँ हैं, खुद पानी पी रहे हैं, उसके लिए पानी नहीं रखा हुआ, खुराक उसका ख्याल नहीं रखते, तो वो अल्लाह के सामने भी जवाबदेह हैं और उस जानवर का भी हक है जो आप छीन रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, आखिर में हमें बताइएगा कि क्या इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं SPCA में जो नहीं अवेलेबल यहाँ पे? इक्विपमेंट के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है चंद चीज़ें हमारी मुख्तलिफ NGOs के थ्रू भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी है, लेकिन जो फीडिंग और मेडिसिन का है, जो उनकी ट्रीटमेंट का खर्च है, वो उम्मीद की जा सकती है कि इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस इदारे को देगी, ताकि कोई भी रेस्क्यूअर अगर रोड से जानवर उठा के आता है तो उसको ये सुनने को ना मिले कि यहाँ पे खुराक भी आप अफोर्ड करेंगे, ट्रीटमेंट भी आप अफोर्ड करेंगे। जी, तो नाज़रीन, आज के स्पेशल स्टोरी में हमने आपको रेस्क्यू की गई बिल्लियाँ दिखाई और हमारे साथ डॉक्टर तल्हा मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने इन बिल्लियों को कैसे रेस्क्यू किया और इनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। इंसान जो है वो जानवरों को बहुत शौक से तो रख लेते हैं लेकिन बाद में
उनके जो है हकूक पूरे नहीं करते, उनको खाना टाइम पे नहीं देते, इंसानों के अपने हक तल्फ किए जाएं तो वो उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन ये जानवर होते हैं, ये बेजुबान होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इनके हकूक का भी खास ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।